नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और केलांचल टाइम्स की टीम भी लगातार इसी कोशिश में है कि आप तक सक्रिय रहकर पल पल की खबर पहुंचा सके, इस पंचायत चुनाव का महा कवरेज कर सके। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची हुई थी राघोपुर पंचायत, जहां के मुखिया प्रत्याशी अमित कुमार से बातचीत हुई। क्या कुछ बात हुई है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है, 3 चरणों में मतदान भी हो चुका है और वहां पे लोगों ने अपना मुखिया भी बना लिया है। इसी तरह में तकरीबन भागलपुर से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर खरीक प्रखंड के राघोपुर पंचायत में हूँ। यहाँ के भावी प्रत्याशी अमित कुमार जी से कुछ खास बातचीत करते हैं, इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। आपका केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद आपको, आपने हमें इस लायक सुना कि मैं राघोपुर पंचायत का एक उम्मीदवार अमित कुमार उर्फ छोटू सा इस मकसद से आया हूँ कि आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। चुनाव लड़ने का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना, चुनाव लड़ने का उद्देश्य समाज के प्रति जो अभी चित्रण और विकास को लेके बन रही है उसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया है, मात्र उस वैकल्पिक व्यवस्था को खत्म करके इस समाज को एक विकास की नई रूपरेखा तैयार करनी है, एक नई दिशा देनी है। मतलब आपका कहने का मतलब है ये पंचायत का विकास, जनता की सेवा ही आपका मूलभूत उद्देश्य रहे। जनता का, जनता विकास चाहती है, जनता योजना की। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? चुनाव जीतेंगे तो क्या, चुनाव जीतने के बाद हर कोई चाहता है कि समाज में एक अलग ढंग से परिवर्तन हो, समाज की व्यवस्था, समाज की विकास एक नई रूपरेखा चाहती है, उसमें योजनाओं में पारदर्शिता चाहती है, गरीब और वंचित, योग्य और उचित, हर समाज के वर्गों के बीच एक विकास की एक नई रूपरेखा खोज रही है। आप ये बार बार विकास की बात कर रहे हैं, किस टाइप का विकास? विकास, विकास तो धरातल पे वर्तमान स्थिति में देखिएगा उसकी रूपरेखा सिर्फ नजर आएगी कि, हाँ बोलिए बोलिए, उसकी रूपरेखा नजर आएगी कि आप विकास के नाम पे क्या योजनाओं के साथ मजाक बनाए हुए हैं। जैसे आप बताएं कुछ, जिसमें मैं बता सकता हूँ, स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि योजनाओं को आप, योजनाओं को देखिएगा तो आप, जल नल योजना है वो सरकार की योजना, उसके लिए हमारे स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि उसका सहयोग कैसा रहा, वो योजना कितने अच्छे ढंग से चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि गली नली का जो योजना है उसमें पारदर्शिता कितना स्पष्ट रहा है। दूसरा आप ये देखिए कि आपका पेंशनधारी कोई मानसिकता सत्तारूढ़ लंबे समय तक हो जाने के बाद मानसिकता क्या होती है, आप इसमें स्पष्ट रूप से जान रहे हैं। शिक्षा के बारे में क्या काम कर रहे हैं? शिक्षा, शिक्षा तो शैक्षणिक पद्धति जो अभी सरकार चला रही है, शिक्षा व्यवस्था जो सरकार ने दे रखी है उसमें आप देखिए कि किस व्यवस्था में, किस व्यवस्था में कटिबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ हमारे शैक्षणिक योग्य जो लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था देखिए, क्या हमारी प्रतिनिधि की जिम्मेवारी नहीं होती है, एक स्कूल की व्यवस्था किस तरह होनी चाहिए, स्कूल संचालन किस तरह होनी चाहिए, हमारे समाज के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी शिक्षा में कितना सुधार हो रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि एक जिम्मेवार आदमी होता है और प्रतिनिधि को इस चीज के लिए, प्रतिनिधित्व को जिम्मेवारी बहुत स्पष्ट रूप से जनता बहुत विश्वास के साथ देती है, इसके लिए इसमें समाज के प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। आप स्वास्थ्य के बारे में क्या, स्वास्थ्य उपकेंद्र हर जगह सरकार दे रखी है, हर जगह सरकार दे रखी है, उसमें डॉक्टर हो, नर्स हो, एएनएम हो, इस सब में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ उपलब्ध नहीं है। आपके पंचायत, यदि आप पंचायत में कैंडिडेट बने हुए हैं, कैंडिडेट के लिए आपको विश्वास रखे हैं, आप आम लोगों के राय और निर्णय पर कैंडिडेट चुने गए हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सुधार होनी चाहिए, किस कहीं न कहीं किस कर्मचारी की जरूरत है, इसके लिए मांग उठानी चाहिए, उसको हर स्थिति में सुधार आनी चाहिए।
जैसा कि आपने बताया चुनाव अगर आप जीतेंगे तो आपने बताया शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, गली नली पे काम करेंगे, जल नल पे काम करेंगे, सड़क की व्यवस्था पे भी काम करेंगे, शिक्षा तो आपने छह काम बताया, चार काम और बताए। एक बात बतलाइए सर, हर प्रतिनिधि, हर जिम्मेवार आदमी इस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य का एक ढकोसला बनाते हुए कहीं न कहीं अपने आप को प्रतिनिधि बता रहे हैं। हम आपको स्पष्ट रूप से ये बताते हैं, समाज में बदलाव चाहिए। समाज के हर वर्ग में देखिए, हर वर्ग के लोगों को देखिए, कहीं न कहीं युवा कहीं न कहीं अलग दिशा में जा रही है, कहीं कुछ हर गलत ढंग में, गलत गतिविधि में पड़ रहे हैं। उसके लिए कहीं न कहीं एक ऐसा लोग चाहिए इस दिशा को भटके हुए दिशा में जा रहे हैं उसमें एक अच्छे दिशा में जाए, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य तो लोगों की मूलभूत सुविधा होती है। क्या करते हैं? मेरे रिटायर आदमी हैं। आप ये बताइए वर्तमान मुखिया के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? वर्तमान मुखिया जी से संतुष्ट तो है ही, फिर भी कुछ कष्ट तो हो ही रहा है। इस बार तो हम छोटू साहू को भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो वो अच्छे आदमी हैं, कम से कम अच्छे आदमी हैं और समाज का बदलाव भी चाहिए सब। आप क्या कहना चाहेंगे? समाज का विकास तो होना बिल्कुल जरूरी है। समाज का विकास होने के लिए छोटू साहू जी को ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो छोटू साहू को, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? अभी कहाँ मिल रहा है, अभी उम्र ही नहीं पूरा है। अच्छा नहीं पूरा है। आवास वगैरह मिला है? कुछ नहीं। और पंचायत में कुछ विकास हुआ है वर्तमान मुखिया की तरफ से? विकास तो वही हो रहा है, 30 वर्ष उम्र वाला को वृद्धा पेंशन दे रहा है। अच्छा, और क्या इससे ज्यादा? 30 वाले को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, 60 वाले ऐसे लटक रहे हैं, 60 वाला 65 वाला लटक रहा है। तो इस बार आप समर्थन छोटू साहब जी को दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हम छोटू साहब को समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि तो जो करीब 10 वर्षों से जो मुखिया वर्तमान मुखिया है वो हर योजना का उसमें लूटमार कर रहा है और नाम का काम हो रहा है, हर जगह लूटे पाट हो रहा है, धरातल पर कोई बढ़िया काम नहीं है। इस बार कंफर्म है कि आप छोटे साहू जी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं। क्या लग रहा है? प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं कि नई मतलब नई ऊर्जा के साथ, नई आदमियों के साथ, हाँ तो उसी तरह मतलब हम आदमियों को भी हम कह रहे हैं कि मतलब नया प्रत्याशी को जी। आप वर्तमान मुखिया के काम से कितना संतुष्ट हैं? बहुत कम। आपके पीछे आपके वार्ड साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछे काम किए हैं ये? 5 नंबर वार्ड के हैं, मेरे वार्ड के। बहुत कम काम किए हैं जी। अच्छा, इस बार मुखिया प्रत्याशी में किनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन किनका है? छोटू के समर्थन। आप क्या कहना चाहेंगे? अमित साहु के विषय में यही कहना चाहूँगा, अमित साहु का जो सोच है समाज के प्रति बहुत बढ़िया है। अब की बात समाज में काम करेंगे? हाँ काम करेंगे, और इसका स्वभाव विचार समाज के प्रति अलग ढंग से हैं, और आपकी बार छोटू साहू को ही हम लोग वोट देंगे। आप? हम चाहते हैं कि जो पंचायत में डीलर साहब जो है सबका अनाज काटता है और प्रतिनिधि लोग कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए छोटू जी को समर्थन देते हुए मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर आप जीतेंगे तो उस पर अच्छी तरह से काम करेंगे। का नाम क्या? अच्छा, नरेश मंडल। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? मिल रहा। आवास वगैरह? आवास वगैरह नहीं, नहीं मिला। शौचालय वगैरह? नहीं। राशन कार्ड में वगैरह में नाम है? हाँ। डीलर का मनमानी चल रहा है? डीलर का मनमानी चल रहा है, वही तो डीलर ने। वर्तमान मुखिया के काम से कितना संतुष्ट है? वर्तमान मुखिया के संतुष्ट है छोटू साहब। इस बार छोटू साहब को समर्थन करेंगे? पुराने मुखिया को हमको घर भी करवा दिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे यही कि समाज में गरीब तबके के लोग रहते तो उसको तो विकास से मतलब है। हाँ। विकास उसको चाहिए। आज तक हमारे पंचायत में जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी विकास अभी तक कहीं कुछ धरातल पर नज़र नहीं आ रहा, तो जनता को चाहिए विकास।
विकास से मतलब है कोई इसमें राजनीति जनता नहीं चाहती है। पंचायत के मालिक होने के नाते उसको हर व्यक्ति पर, हर पंचायत के लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, किसको क्या चाहिए किसको नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात पंचायत में नहीं है। तो इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। किनको समर्थन कर रहे हैं? छोटू साहब। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं कि वर्तमान जो मुखिया जी हैं, जितना भी काम किए हैं सब ठीक किए हैं जाने दीजिए, लेकिन अभी जो छोटू साहब मुखिया बने तो हमारे यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को जरूर दुरुस्त करेंगे, हमारी यही आशा है। अच्छा, इसीलिए हम लोग तो छोटू साहब को समर्थन करेंगे। आप पहले मैं यही बोलना चाहते हैं इस पंचायत की, मेरा नाम कृष्ण कुमार जसवाल हुआ। आप जो प्रश्न किए इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये तो छोड़ दीजिए सर, ये सब मुखिया से नहीं होने वाला हम लोगों को विकास। मैं युवा को खड़ा किया, अमित कुमार साहू और छोटू साहू, अब तो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और आप इस पर थोड़ा लगाम लगाइए। हजूर, हमारे अंदर मध्य विद्यालय राघोपुर है, हमारे बच्चे सब का देखिए रास्ता कैसा है। अगर किसी का निजी जमीन है क्या उसको हाथ पैर पकड़ के उतना सा रास्ता के लिए हम सड़क नहीं ले सकते हैं? हमारे बगल में मुखिया प्रत्याशी जी है, छोटे लाल मंडल जी, हमारे क्लास फ्रेंड हैं, लेकिन हम सब विकास देखना चाहते हैं, किसी का चेहरा नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। आपको आवास वगैरह मिला है? नहीं सर। नहीं मिला है। शौचालय वगैरह? शौचालय। राशन कार्ड में नाम है? डीलर राशन दे रहा है? अच्छा, है बताओ वर्तमान मुखिया जी, अखनिक्रो मुखिया छौ, उनको काम से कत संतुष्ट छो? अभी जी बनी नहीं छै। नहीं जे छौ पहने से छुट्टी छै सर, लेकिन हम सब सोचै छी कि ये बड़ी छोटू साहब, अबरी बार समर्थन छोटू साहब कर छै। केना? बहुत अच्छा आदमी छै। बहुत अच्छा। समाज वास्ते काम करता है? बहुत अच्छा, समाज के लिए एकदम जान दे दे छै। अरे ई को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहा था, जल्दी दबाओ।